कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की मच अवेटेड भूल भुलैया 2 फाइनली हो चुकी है रिलीज। ये फिल्म साल 2007 में आई प्रिया दर्शन की सुपरहिट हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया का रीमेक है, जिसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन और शाइनी आहूजा जैसे एक्टर्स आए थे मुख्य भूमिका में नजर। और अब फाइनली फैंस के इंतजार की घड़ी हो चुकी है खत्म एज भूल भुलैया 2 हैज फाइनली हिट द थिएटर्स। तो आइए वीडियो में जानते हैं भूल भुलैया 2 हिट है या फ्लॉप और क्या है इस सीक्वल पर फैंस का रिएक्शन। कार्तिक आर्यन ने काफी अच्छा काम किया है एंड जो अक्षय कुमार सर ने फर्स्ट पार्ट में किया था उसको काफी हद तक रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। सो सुपर्ब एक्टिंग। कोई बेस्ट मोमेंट आपको लगा? बेस्ट मोमेंट वाज व्हेन कार्तिक आर्यन टर्न्ड इनटू दैट फ्राइटनिंग पार्ट। तो जो एक हॉरर वाला पार्ट जो कार्तिक आर्यन ने किया था दैट वाज समथिंग डिफरेंट जो वो नॉर्मली नहीं करते। स्टोरी लाइन किस तरह की? स्टोरी लाइन फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट था बट इट वॉज नाइस। लाइक फर्स्ट पार्ट में इट वॉज अ बिट रियलिस्टिक, यहाँ थोड़ा सा वर्चुअल इनपुट डाला गया है। 5 out of 4, 4 out of 5 मूवी अच्छी, जो बोलते हैं कि अक्षय कुमार को रहना चाहिए था बट कार्तिक आर्यन ने अच्छा काम किया तो अच्छी मूवी लगी। स्टोरी लाइन अच्छी थी एंड कैरेक्टर अच्छी थी उस जगह पे। 5 out of 3 stars. Story line is good, suspense is good, music is also okay. But as compared to first part, इतना गहरी और कॉमेडी क्या तरह अगर जैसे हॉरर देखोगे आप तो उतना नहीं है, फनी जो कॉमेडी है वो ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल इट इज़ अ नाइस मूवी, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग मूवी 3 out of 5। सबसे पहले तो आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड जितनी मैंने अपेक्षा की थी, क्योंकि पार्ट वन जो क्लास मूवी थी जो प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की थी, ये मूवी अनीश बद्दी ने डायरेक्ट की थी जो एंटरटेनिंग मूवीज के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक डिसअपॉइंट हो गई। मतलब बहुत ही पोस्ट ह्यूमर है जो कॉमेडी पंचेस है वो, इतने अच्छे एक्टर्स है संजय मिश्रा, राजपाल यादव, बट पहला हाफ तो बिल्कुल ही स्कैटर्ड है और दूसरा हाफ भी इतना एंटरटेनिंग नहीं लगा। हॉरर है, हॉरर बहुत अच्छे, सिनेमेटोग्राफी वगैरह अच्छी है हॉरर की, बट तब्बू जैसे सीजनड एक्टर्स को वेस्ट किया, बहुत डिसअपॉइंटिंग। किस तरह की एक्टिंग लगी कार्तिक आर्यन? कार्तिक आर्यन देखिए प्यार का पंचनामा में कितने रॉ थे और फिर सोनू की टीटू की स्वीटी, बट ये मूवी में कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़े फेक लगे। ही गोज ओवरबोर्ड यू नो अपने आप को मतलब जैसे प्रूव करने के लिए। तो कियारा आडवाणी जैसी इतनी गॉर्जियस और स्टनिंग एक्ट्रेस को मिसयूज किया, वो गुड न्यूज़ में इतनी अच्छा उनका रोल था, तो मुझे कहीं ना कहीं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द मूवी। एक कार्तिक आर्यन का सॉन्ग है जिसमें क्लासिकल डांस करते जैसे विद्या बालन ने किया था, तो सिंस आई एम अ क्लासिकल डांसर तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सिनेमेटोग्राफी जो हॉरर सीन्स है वो अच्छी है, बट तब्बू जैसी सीजन एक्ट्रेस को वेस्ट किया। कार्तिक आर्यन भी इतने अच्छे एक्टर हैं लेकिन जो कॉमेडी पंचेस है वो इतने उभर के नहीं आए। सिनेमेटोग्राफी इज गुड, एडिटिंग भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया मूवी को, वो भी ठीक है। म्यूजिक भी जितना एक्सपेक्ट किया था तनिष बागची और प्रीतम का म्यूजिक है, पर जो डायरेक्शन था प्रियदर्शन का पार्ट वन में वो क्लास था। अक्षय कुमार और विद्या बालन को हमने इतना मिस किया। पार्ट टू कहीं ना कहीं यू नो बहुत फोर्स्ड ह्यूमर लगा मुझे और कहीं ना कहीं लग रहा था कि बस खत्म हो जाए। वेरी डिसअपॉइंटेड 2 stars। देखिए हॉरर कॉमेडी फिल्म है और हमको मालूम है कि भूल भुलैया 1 कैसी थी, तो हम उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि आउट ऑफ द लीग कुछ होने वाली है, तो हमको पता था कि एक जो बेस है मंजुलिका के अराउंड वो आने ही वाला है पूरी फिल्म में। तो सेम चीज़ हमने भूल भुलैया 2 में भी देखी है, पर जिस टाइप का एक पूरा सिनेरियो भूल भुलैया 1 में सेटअप हुआ था, जो सपोर्टिंग कास्ट था, जिस टाइप से स्टोरी आगे बढ़ती है और जिस टाइप के सीन्स उस फिल्म में है, इस फिल्म में मुझे लगता है वो काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे लगता है कि ये हम पर थोपा गया है ये सीन, और नहीं भी होता तो इसको किसी और तरीके से दिखा के ये हम तक कम्युनिकेट की जा सकती थी। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ऐसा स्टोरी है जहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो एक हवेली में आएंगे, वहाँ पे कैसे जो काफ़ी सालों से मंजुलिका का किस्सा बंद है वो खुलेगा और कैसे उनकी ज़िंदगी उससे अफेक्ट होगी और कैसे उस चीज़ से उन्हें छुटकारा मिलेगा। स्टोरी तो देखिए इसमें लीनियर है, हमको सबको पता है कि क्या होने वाला है, उसको कैसे दिखाया गया है वो था भूल भुलैया, जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक पड़ी होगा।